हेलो एंड वेलकम बैक टू स्किल्स एक्सप्लोरर। स्किल्स एक्सप्लोरर में आज आपका फिर से स्वागत है। स्किल्स एक्सप्लोरर आज आपके सामने कंप्यूटर ग्राफिक सिस्टम की एक नई सीरीज लेके आ रहा है। इस सीरीज़ के दौरान हम स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक हर एक टॉपिक को कवर करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट लेसन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। अब कंप्यूटर ग्राफिक है क्या? बेसिकली कंप्यूटर ग्राफिक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, कंप्यूटर एंड ग्राफिक्स, राइट? कंप्यूटर एक मशीन है, हमने बहुत बारी स्टडी किया है। एंड ग्राफिक्स, ग्राफिक्स को कंप्यूटर के थ्रू आपने शो कैसे करना है? देखिए, अगर आपको हाई लेवल की गेम्स प्ले करनी है तो हमें ग्राफिक कार्ड चाहिए होता है, राइट? वो ग्राफिक को सपोर्ट करता होता है, एनिमेशन कि ग्राफिक्स की एनिमेशन किस फॉर्म में हो। इस लेक्चर के ज़रिए हम ये जानेंगे कंप्यूटर ग्राफिक है क्या। देखिए, अब प्रैक्टिकली आपको बाद में समझ में आएगा, लेकिन उससे पहले आपको थ्रेटिकल नॉलेज होनी चाहिए। हम डिवाइड करके स्टडी करेंगे ग्राफिक्स क्या है और कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या है, राइट? इफ़ आई टॉक अबाउट ग्राफिक्स, द आर्ट और साइंस ऑफ कन्वेइंग इंफॉर्मेशन थ्रू ग्राफ्स, लेटर, लाइन, ड्राइंग्स, पिक्चर एट्सेट्रा यूजिंग आर डिस्प्ले मीडिया, इसको आप क्या बोलते हो? ग्राफिक्स। अब देखिए, मैंने सबसे पहला वर्ड आपके साथ क्या डिस्कस किया था? ग्राफ। फॉर एग्जांपल, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की बात कीजिए, जो बिजनेसमैन होते हैं अपने बिजनेस को ग्राफ के जरिए एनालाइज करते हैं कि उनकी सेल 2001, 2, 3, 4, 5, 6 में कितनी बड़ी या डिक्रीज हुई, ग्राफ के जरिए, वो भी ग्राफिक है, राइट? लेटर्स आपने टाइप करने हैं, लाइन ड्रॉ करनी है, पिक्चर्स की शेप चेंज करनी है, ये सारी की सारी किसकी एग्जांपल है? ग्राफिक्स की। अब लेकिन ये डिस्प्ले कैसे होती हैं? विद द हेल्प ऑफ डिस्प्ले मीडिया। अब डिस्प्ले मीडिया क्या हो सकता है? जैसे CRT हो सकता है, कैथोड रे ट्यूब हो सकता है, आपकी रास्टर स्कैन, रैंडम स्कैन, ये टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, ये सारी की सारी क्या है? डिस्प्ले मीडिया, राइट? तो ग्राफिक्स डिस्प्ले मीडिया में जो यूज़ होते हैं उसको आप क्या बोलते हो? ग्राफिक्स। आप अपने टीवी की एग्जांपल ले लीजिए, उसमें भी तो क्या यूज़ है? CRT यूज़ होता है, राइट? बट वो डिस्प्ले कैसे करता है? जो भी कंटेंट करता है शो, उसको आप बोलते हो ग्राफिक्स, राइट? बट इफ़ आई टॉक अबाउट कंप्यूटर ग्राफिक्स, अब ग्राफिक्स को अगर हम कंप्यूटर के जरिए कंबाइन करिए तो क्या रिलेशनशिप है इनमें? द ब्रांच ऑफ साइंस एंड मर्चिंग द ब्रांच और साइंस एंड इंजीनियरिंग दैट इन्वॉल्व डिस्प्ले मैनिपुलेशंस। मैनिपुलेशन का मीनिंग क्या होता है? जब आप कुछ चेंजेस करते हो उसको आप क्या बोलते हो? मैनिपुलेशंस। एंड स्टोरेज ऑफ पिक्चर एंड एक्सपेरिमेंटल डेटा फॉर प्रॉपर विजुअलाइजेशन यूजिंग अ कंप्यूटर। देखिए, पहले हमने डिस्कस किया था कि ग्राफिक्स क्या होता है। ग्राफिक होता है कि आप डिस्प्ले कैसे करते हो, डिस्प्ले क्या करते हो और डिस्प्ले कैसे हो रहा है, राइट? दैट इज ग्राफिक्स। बट अब ग्राफिक्स के ऊपर ऑपरेशन क्या होते हैं? डैट इज़ कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर उन ग्राफिक के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करता है, सो डैट उनमें मैनिपुलेट करके लाइट, जैसे उसे डिस्प्ले कैसे करना है, मैनिपुलेशन मीन्स उसमें चेंजेस करना, उसकी कलर की ब्राइटनेस कम या इन हाई करना, राइट? उसको स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड करना और पिक्चर एंड एक्सपेरिमेंटल डेटा, और उसमें कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहना, जैसे इसमें कलर मॉडल बहुत यूज़ होते हैं, RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू, सियान मॉडल यूज़ होता है, ये सारी की सारी कौन प्रोसेसिंग करता है? कंप्यूटर ग्राफिक। इससे भी इजी एग्जांपल आपको देता हूँ। आप एमएस वर्ड यूज़ करते हैं, उसमें आप कभी भी फॉर्मेटिंग कर रहे होते हैं तो आप उसमें फ़ॉन्ट चेंज कर देते हैं, उसके कलर चेंज कर देते हैं, ये कौन प्रोवाइड करता है? इसके अंदर कंप्यूटर ग्राफिक्स होता है। फॉर डैट इज सो एक्सपेरिमेंटल डेटा फॉर प्रॉपर विजुअलाइजेशन यूजिंग अ कंप्यूटर। तो ये क्या है हमारा? कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो शॉर्ट में क्या कहेंगे कि ग्राफिक्स के ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं वो किसकी हेल्प से किए जाते हैं? कंप्यूटर ग्राफिक्स, राइट? आशा करता हूँ कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करें कि इसमें कॉम्पोनेंट कौन कौन से यूज़ होते हैं, कौन कौन सी ऐसी टेक्निकल टर्म्स हैं जिसके जरिए हम इसको डिफाइन कर सकते हैं थोड़ा और डीपली। कहते हैं टिपिकली ग्राफिक सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ होस्ट कंप्यूटर। कहते हैं एक तो इसके अंदर एक कंप्यूटर होता है, होस्ट कंप्यूटर, विद सपोर्ट ऑफ फास्ट प्रोसेसर। उसमें एक प्रोसेसर होता है जो पूरी प्रोसेसिंग को हैंडल करता है, लार्ज मेमोरी जो उस पूरे डेटा को स्टोर करता है, फ्रेम बफर। देखिए, जहाँ पर भी वर्ड यूज आ गया ना बफर, उसका मीनिंग होता है प्राइमरी मेमोरी, राइट? फ्रेम बफर, जैसी पिक्चर लोड हुई वो कहाँ पर लोड होगी?
आपकी प्राइमरी मेमोरी में, जिसको आप बोलते हो फ्रेम बफर, जीरो और वन की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, राइट। एंड डिस्प्ले डिवाइसेस कौन से, अपने कलर मीटर हो गए, जैसे हम पहले, आज तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, स्टार्टिंग में टीवी आते थे ब्लैक एंड वाइट, फिर धीरे धीरे कलर टीवी आने लगे, तो उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी सीआरटी, कलर मीटर यूज़ होते थे, राइट। उसके बाद इनपुट डिवाइसेस आने चाहिए, जिसके ज़रिए हम इनपुट प्रोवाइड करते थे, जैसे हमारे कंप्यूटर में हम इनपुट कैसे प्रोवाइड करते हैं, विद द हेल्प ऑफ माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, ट्रैकबॉल एक्सेट्रा। तो ये हमारी क्या है, इनपुट डिवाइसेस, जो कि हमारे कंप्यूटर ग्राफिक में यूज़ होती हैं। इस अगर इनपुट है तो आउटपुट भी होगी, राइट। तो आउटपुट डिवाइसेस क्या है, एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले पैनल, लेजर प्रिंटर, कलर प्रिंटर, प्लॉटर, ये सारी की सारी डिवाइसेस क्या हैं, आउटपुट डिवाइसेस। प्रिंटर तो आपने सुना होगा, प्लॉटर नहीं पता होगा आपको। प्लॉटर किसे बोलते हैं, जैसे फ्लैक्सीज होती हैं, हम मार्केट में देखते हैं फ्लैक्सीज लगी हुई हैं, वो कैसे उनकी आउटपुट निकलती है, वो प्लॉटर एक डिवाइस होती है, उनके ज़रिए प्रिंट होती हैं, राइट। सो इंटरफेसिंग डिवाइसेस, अगर आपने एक से ज़्यादा डिवाइस को कंबाइन करना है तो कैसे करते हो, वीडियो इनपुट आउटपुट, टीवी इंटरफेस, ये सारे के सारे कंपोनेंट क्या हैं, हमारे ग्राफिक सिस्टम में यूज़ होते हैं। तो ऑपरेशन तो हमने बोल दिया परफॉर्म होते हैं, लेकिन किन डिवाइसेस के ज़रिए परफॉर्म होते हैं, वो ये हैं, राइट। कंप्यूटर ग्राफिक सिस्टम कैन बी एक्टिव और पैसिव, कहते हैं या तो वो एक्टिव होगा या फिर वो पैसिव होगा, और एक्टिव कौन सा होगा, पैसिव कौन सा होगा, लेट्स स्टार्ट। एक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक यूजर कंट्रोल द डिस्प्ले विद द हेल्प ऑफ GUI, GUI स्टैंड फॉर ग्राफिक यूजर इंटरफेस, राइट, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक ATM की मशीन, आप ATM पे जाते हैं, वहाँ पे लिखा होता है करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, आप उस पर क्लिक करते हैं, वो क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसे देख के हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं यूजिंग एन इनपुट डिवाइस, राइट। पैसिव कंप्यूटर क्या होते हैं, अ कंप्यूटर ग्राफ ऑपरेशन डेट ट्रांसफर ऑटोमेटिकली एंड विदाउट ऑपरेटर इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का मीनिंग होता है दखलंदाजी, राइट। अब देखिए एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंस हुआ, एक्टिव तो आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस परफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, बट ऑपरेशन आपको खुद परफॉर्म कर रहा है, जैसे आप ATM मशीन पे ऊपर टच करेंगे फिंगर के साथ, सेविंग अकाउंट सेलेक्ट हो गया, फिर अमाउंट डालेंगे आपको टच करना पड़ा, फिर पिन डालेंगे टच करना पड़ा, मतलब आपकी इन्वॉल्वमेंट है, राइट। तो वो क्या है, एक्टिव। बट अगर मैं पैसिव की बात करूँ, कहते एक कंप्यूटर ग्राफिक ऑपरेशन डेट ट्रांसफर ऑटोमेटिकली, वो अपने आप ही ऑपरेशन परफॉर्म होंगे विदाउट ऑपरेटर इंटरवेंशन। इंटरवेंशन होता है दखल अंदाजी, किसी की दखल अंदाजी के बिना। तो ऐसे जो ग्राफिक सिस्टम होते हैं उसको आप बोलते हो पैसिव कंप्यूटर, राइट। सो कंप्यूटर ग्राफिक को जब भी डिफाइन करेंगे वो दो टाइप के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। आई होप आपको दोनों एग्जाम्पल के जरिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर मैं इसके फ्रेमवर्क की बात करूं, इंटरनली फ्रेमवर्क काम कैसे करता है, देखिए हमने इनपुट डिवाइस डिस्कस की, आउटपुट भी की, ग्राफिक सिस्टम को भी समझा, लेकिन उससे पहले दो प्रोग्राम और मॉडल यूज होते हैं। पहले होता है एप्लीकेशन मॉडल, उसका कनेक्शन किसके साथ है, एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ। लेकिन जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो ग्राफिक सिस्टम के साथ इनपुट भी है और सिग्नल दे भी रहा है और सिग्नल रिसीव भी कर रहा है, और जो ग्राफिक सिस्टम आगे इनपुट और आउटपुट के साथ अटैच है। देखिए इनपुट ऐसे आई ग्राफिक सिस्टम के बाद, राइट। तो ग्राफिक सिस्टम इंटरेक्ट की एप्लीकेशन, तो ये ना एक सीक्वेंस वाइज इनका प्रोसेस चलता है। अब एप्लीकेशन मॉडल क्या है, प्रोग्राम क्या है, लेट्स स्टार्ट डिस्कस वन बाय वन। अब एप्लीकेशन मॉडल कहते कैप्चर, जहाँ पर एक वर्ड आ जाए ना मॉडल, देखिए मैंने काफ़ी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, मॉडल का मीनिंग होता है स्टोरेज, राइट। सो कैप्चर ऑल द डेटा ऑब्जेक्ट्स, जितने भी डेटा ऑब्जेक्ट है उसको कैप्चर करता है, एंड रिलेशनशिप अमंग देम डेट आर रेलिवेंट टू द डिस्प्ले एंड इंटरेक्शन पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन प्रोग्राम। कहते जितने भी डेटा ऑब्जेक्ट है उसको तो क्या करता है, कैप्चर करता है, मतलब कलेक्ट करता है, फिर उस उनमें क्या करता है, जितने भी डेटा ऑब्जेक्ट में उनमें रिलेशनशिप क्रिएट करता है। देखिए लिखा हुआ है ना, रिलेशनशिप अमंग देम डैट आर रेलिवेंट टू द डिस्प्ले, उन ऑब्जेक्ट में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है जिनका रिलेशन डिस्प्ले के साथ है, एंड इंटरेक्शन पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन प्रोग्राम। जैसे इंटरेक्शन पार्ट एप्लीकेशन का क्या हुआ, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी ATM की, जो वहां पर आपको मेन्यू डिस्प्ले हो रहे हैं जिसके साथ आपने इंटरेक्शन करना है, आपने सेविंग अकाउंट के साथ इंटरेक्शन करना है, क्लिक करना है,
करंट अकाउंट के साथ इंटरेक्शन करना है, मिनी स्टेटमेंट के साथ करना है, पिन चेंज के साथ करना है, तो वो पार्ट कौन से हो गए आपके इंटरेक्शन पार्ट। तो जो जिन ऑब्जेक्ट का रिलेशनशिप इनके साथ है उनमें क्या ये क्रिएट करता है रिलेशनशिप, तो ये आपका क्या होगा एप्लीकेशन मॉडल। तो बेसिक पर्पज है डेटा ऑब्जेक्ट को कैप्चर करने का और उनमें रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने का, राइट। तो नेक्स्ट कंपोनेंट हमारे आर्किटेक्चर का क्या था, एप्लीकेशन प्रोग्राम। देखिए एप्लीकेशन, जहां पर वर्ड आ जाए ना एप्लीकेशन, उसका मीनिंग होता है कुछ ना कुछ परफॉर्म होना, ऑपरेशन परफॉर्म होना, जैसे क्रिएट, कुछ क्रिएट करना, स्टोर करना, रिट्रीव मीन्स होता है फेच करना डाटाबेस में से फ्रॉम एप्लीकेशन मॉडल। एप्लीकेशन मॉडल ने डेटा को कैप्चर किया था बट एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या करता है, रिट्रीव करता है। ये देखिए डायग्राम भी देखिए, एप्लीकेशन मॉडल ने डेटा कैप्चर किया, वो डेटा को एप्लीकेशन प्रोग्राम अपने पास रिट्रीव कर रहा है, अपने पास लेके आ रहा है। जैसे ही डेटा एप्लीकेशन प्रोग्राम के पास आएगा वो उसके ऊपर क्या करेगा, ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, लाइक क्रिएट करेगा, स्टोर करेगा, रिट्रीव करेगा एटसेट्रा। प्रोड्यूसेस द व्यू बाय सेंडिंग द इंफॉर्मेशन टू ग्राफिक सिस्टम, और डिफरेंट डिफरेंट व्यू प्रोड्यूस करेगा। अब देखिए व्यू का मीनिंग क्या होता है, व्यू का मीनिंग होता है डिफरेंट डिफरेंट इंटरफेस। अगर आप एक्सिस बैंक में जाएंगे एटीएम में, उसका इंटरफेस थोड़ा सा डिफरेंट होएगा, ऑप्शन आगे पीछे होंगी। अगर आप एचडीएफसी के पास जाएंगे उसका इंटरफेस अलग होगा, एसबीआई के जाएंगे उसका इंटरफेस अलग होगा। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग व्यू प्रोड्यूस करते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट मशीन के साथ इनके जो व्यू होते हैं, इनका डिस्प्ले होता है अलग होता है। वो क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन प्रोग्राम डिफरेंट व्यू जनरेट करते हैं। अब हमारे फ्रेमवर्क में दो कंपोनेंट को हमने एक्सप्लेन किया, एप्लीकेशन मॉडल एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। हम दोनों का तो डिस्कशन होगी। अब एप्लीकेशन प्रोग्राम आगे किसके साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा, ग्राफिक सिस्टम के साथ। अब हमारा ग्राफिक सिस्टम, हमने पहले भी बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि क्या होता है, सीरीज ऑफ ग्राफिक आउटपुट कमांड एंड सब रूटीन लाइब्रेरी डैट कैन बी कॉल्ड फ्रॉम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज सी, पास्कल और लिस्प। कहते जो जी हमारी कमांड सब रूटीन लाइब्रेरी है, आउटपुट डिवाइसेस है, ये किसके जरिए डिस्प्ले होती है, कहते ये हमारी हाई लेवल लैंग्वेज के जरिए इसको ऑपरेट करना होता है, जैसे सी होगी, पास्कल होगी, लिस्प होगी, राइट। सो ग्राफिक सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, ए डिटेल्ड ज्योमेट्रिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ वट इज टू बी व्यूड, के क्या दिखाई देना चाहिए, द एट्रीब्यूट डिस्क्राइबिंग हाउ द ऑब्जेक्ट शुड अपीयर। इसके एट्रीब्यूट ये डिसाइड करते हैं कि ऑब्जेक्ट शुड अपीयर, के ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देने चाहिए। देखिए दो चीज़ें हैं, वट इज टू बी व्यूड, के क्या दिखाई देना चाहिए और कौन से डेटा दिखाई देना चाहिए, ये किसकी ड्यूटी है, हमारे ग्राफिक सिस्टम की। फॉर एक्चुअली प्रोड्यूसिंग द पिक्चर फ्रॉम द डिटेल डिस्क्रिप्शन, फॉर पासिंग द यूजर इनपुट टू द एप्लीकेशन प्रोग्राम, जो इनपुट आ रही होती है उसको कौन प्रोवाइड करता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम। इनपुट को प्रोवाइड कौन करता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम। सो कंप्यूटर ग्राफिक्स हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया, लेकिन कंप्यूटर ग्राफिक्स कहाँ कहाँ पर यूज़ हो रहा है प्रैक्टिकली, राइट। ये कुछ पॉइंट्स हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला है GUI, GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जैसे हमें दिखाई कैसे देते हैं, ATM मशीन में मेन्यू बने होते हैं, आइकन बने होते हैं, कर्सर बने होते हैं, जो ये शेप की फॉर्म में बने होते हैं ना, ये हमें प्रोवाइड करता है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। दूसरा है ऑफिस ऑटोमेशन, जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में ग्राफिक्स बने होते हैं, पाई चार्ट बने होते हैं, ग्राफ बने होते हैं, कलर्स बने होते हैं, ये भी क्या है, ग्राफिक्स हैं। फिर है प्लॉटिंग इन बिजनेस, बिजनेस में जैसे बिजनेसमैन शो करते हैं कि हाँ 2001 में हमारी सेल इतनी थी, 2002 में हमारी इतना इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है, हमारी सेल इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, तो बिजनेसमैन इसे यूज़ करते हैं। डेस्कटॉप पब्लिशिंग का मीनिंग होता है आप अपने फोटोशॉप और कोर्ड्रॉ में भी ग्राफिक्स का इस्तेमाल करते हो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो बात करने की ज़रूरत ही नहीं है कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है, साइंस और टेक्नोलॉजी में ग्राफिक्स तो यूज़ होते ही रहते हैं। वेब, अगर आपने अपनी वेबसाइट बनानी है उसमें भी यूज़ होंगे, कैड कैम डिज़ाइन में भी यूज़ होते हैं, राइट। तो इन सभी फील्ड में अब ग्राफिक सिस्टम यूज़ करते हैं, लेकिन तो वन बाय वन मैं इसको डिस्कस और भी करूँगा, लाइक वर्चुअल रियलिटी में यूज़ होते हैं, सिमुलेशन स्टडी में यूज़ होते हैं, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए, जैसे ये ग्राफिक्स है, ये पावर पॉइंट की एग्जांपल देता हूँ, ये कैटल बनी हुई है, ये क्या है, ग्राफ, डिफरेंट डिफरेंट व्यू दिखाई दे हुए हैं, तो ये भी क्या है, ग्राफिक की एग्जांपल्स हैं कि ग्राफिक और यूज़र इंटरफेस है, हमें दिखाई दे रहा है और डिफरेंट डिफरेंट
शेप में इनके ग्राफिक्स दिखाई दें, आप इसका कलर कैसे चेंज कर सकते हो। ये है प्लॉटिंग इन बिजनेस, जैसे शो किया हुआ है कि बार डायग्राम से कि सेल कितनी थी, राइट। तो बिजनेस मैन इस तरह अपनी सेल को शो करते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, राइट, मेडिसिन एंड वर्चुअल सर्जरी, जैसे आप खुदा ना खास्ता आपको कभी जाना पड़े हॉस्पिटल में, लेकिन कभी भी गए हो या कभी जाओगे तो आप देखते हो कितनी मशीन्स वहाँ पे यूज़ हो रही होती है। एक्सरे की मशीन यूज़ हो रही है, एमआरआई की यूज़ हो रही होती है, तो वहाँ पर भी ग्राफिक सिस्टम का उन्हें यूज़ करना पड़ता है, सो दैट वो इंटरनल स्ट्रक्चर को एनालाइज करके आपकी डायग्नोज कर सके कि प्रॉब्लम है क्या, राइट। सो मेडिसिन की लाइन में भी ग्राफिक का सिस्टम बहुत यूज़ होता है। कैड और कैम, बेसिकली ये उन स्टूडेंट को समझ में आएगा जो सिविल में होते हैं, जो बीटेक सिविल में करते होते हैं, जैसे उन्होंने आर्किटेक्चर बनाने होते हैं, चाहे वो कार के हैं, चाहे वो किसी टेक्निक के हैं, चाहे वो होम के हैं, घरों के हैं, वहाँ पर ये सॉफ्टवेयर के ज़रिए वो आर्किटेक्चर बनाते हैं, तो वहाँ पर भी ग्राफिक्स का यूज़ होता है। साइंटिफिक विजुलाइजेशन एंड एनालिसिस, जैसे वेदर की रिपोर्ट प्रिपेयर करनी होती है, वहाँ पर भी ग्राफिक्स यूज़ होते हैं। एनिमेशन में, कंप्यूटर गेम्स में भी यूज़ होते हैं ग्राफिक्स। ये देखिए, जैसे हम देखते हैं गेम्स कैसे चल रही हैं, इंटरनली ग्राफिक ही हैं ये सारे के सारे। आर्किटेक्चर डिज़ाइन सिमुलेशन के, आर्किटेक्चर कैसे होना चाहिए, राइट। फोटोग्राफिक वर्चुअल रियलिटी, बहुत आज का कंसेप्ट चल रहा है कि ऐसा इन्वायरमेंट जो है भी और नहीं भी, मतलब फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन हम उसे इमेजिनेशन के ज़रिए एक्सप्रेस करते हैं। डिजिटल प्रोसेसिंग के, आज इमेज, आज की डेट में पर्सन कैसे दिखाई दे रहा है, आपसे 30 साल बाद कैसे दिखाई देगा, क्या क्या फीचर्स चेंज हो जाएंगे, राइट। एजुकेशन ट्रेनिंग में तो कहने क्या है कि कंप्यूटर में आज की डेट में कोई भी कंसेप्ट सीखना है तो हम कंप्यूटर पे ऑनलाइन जाके कुछ भी सीख सकते हैं, राइट। तो सभी में क्या यूज़ हो रहा है, कंप्यूटर ग्राफिक्स। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये हमारा लेसन 1 है, इसमें इंट्रोडक्शन थी कंप्यूटर ग्राफिक सिस्टम की, कंप्यूटर ग्राफिक है क्या, उसकी एप्लीकेशन एरिया क्या है, कहाँ कहाँ आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आप शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, राइट। एंड यू कैन कमेंट्स ऑल्सो, अगर आपको कोई टॉपिक ना समझ आया हो, कोई टर्म समझ ना आए हो, और यू कैन मैंशन योर रिक्वायरमेंट ऑल्सो कि नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर होना चाहिए, हम इस पूरे सब्जेक्ट की सीरीज को कवर करेंगे, राइट। फॉर डैट वी नीड योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच, कीप इन टच, एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो